हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशु। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एक्स बाई जेड सब कुछ। तो दोस्तों, दिल्ली सरकार ने सभी ड्राइवर भाइयों को, सभी गाड़ी मालिकों को, यानी कि वाहन मालिकों को, चाहे प्राइवेट हो या कमर्शियल हो, सभी वाहन मालिकों को और ड्राइवर भाइयों को बहुत बड़ी राहत दी है। ऐसे समझ लिए जैसे कि नए साल से पहले उनको एक तरीके से नए साल का गिफ्ट पहले ही एडवांस में दे दिया है। तो दोस्तों, वो क्या है ऐसी खुशखबरी, ऐसा गिफ्ट जो दिल्ली सरकार ने दिया, वो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, आप जैसा जानते हैं कि जब से कोरोना आया है तब से ड्राइवर भाइयों पे इतनी ज़्यादा परेशानियां आ गई हैं और बहुत ज़्यादा दिक्कतों का ड्राइवर भाइयों को सामना करना पड़ रहा है। उसके बाद में जब है अब थोड़ा थोड़ा सही होता जा रहा है, लेकिन अभी तक उनके पास जो है इतना हिसाब किताब नहीं है कि वो अपनी गाड़ी को पास करवा सकें, लाइसेंस को रिन्यू करा सकें, या फिर अन्य डॉक्यूमेंट जो है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की द्वारा जो जारी किए जाते हैं उनको रिन्यू करा सकें। क्योंकि दोस्तों, उसमें पैसा भी लगता है और छुट्टियां भी करनी पड़ती हैं, तब जाके ये सारे काम होते हैं। तो दिल्ली सरकार ने उन सभी ड्राइवर भाइयों को और गाड़ी मालिकों को, वाहन मालिकों को एक बहुत ही बड़ी राहत वाली खबर दी है कि अब आपके जो है सभी डॉक्यूमेंट वैलिड रहेंगे 31/12/2021 तक। हाँ जी दोस्तों, अब आपके जो डॉक्यूमेंट हैं 31 दिसंबर 2021 तक वैलिड रहेंगे। ये नोटिफिकेशन मेरे पास आज आ गया था, दिन में ही आ गया था दोस्तों, लेकिन दिन में किसी काम के कारण मैं बिजी था और आपको ये जानकारी देने में थोड़ा सा मैं पीछे रह गया। लेकिन ये जानकारी आपको मैंने अब दे दी है कि अब आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है, या फिर आपका फिटनेस सर्टिफिकेट है, या फिर परमिट है, या फिर आरसी का कोई काम करवाना है, इस प्रकार के सभी काम जो हैं जैसे कि रिन्यूअल के होते हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट जो होते हैं एक्सपायर हो जाते हैं, या फिर कुछ और प्रॉब्लम है, तो आपको अब 31/12/2021 यानी कि 31 दिसंबर तक टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके ऊपर ना तो कोई पेनल्टी लगेगी, ना ही कोई एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। आप 31/12/2021 तक बड़े आराम से कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये नोटिफिकेशन जो आया है मैं आपको दिखा देता हूँ, ये दिल्ली सरकार द्वारा जारी किया नोटिफिकेशन है। चलिए दिखाता हूँ मैं आपको वो नोटिफिकेशन क्या है, उसमें क्या लिखा हुआ है, उसको जरा ध्यान से अवश्य सुन लेना। तो दोस्तों, सबसे ऊपर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अंडर हिल रोड दिल्ली। तो दोस्तों, जितने भी नोटिफिकेशन जारी होते हैं वो अंडर हिल रोड से ही जारी होते हैं, जिसे हम राजपुरा अथॉरिटी बोलते हैं। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं इसमें नीचे क्या लिखा हुआ। तो दोस्तों, सबसे नीचे वाली जो लाइन है इसी में हमारे जो काम की चीज़ें हैं इसे मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। एडक्वेट प्रिकॉशनरी स्टेप आर रिक्वायर्ड टू बी टेकन टू अवॉइड रिकरेंस ऑफ कोविड पेंडेमिक लाइक सिचुएशन एंड फॉर दैट रीजन द वैलिडिटी ऑफ डॉक्यूमेंट इशू बाई ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट विच एक्सपायर बिटवीन 1/2/2020 to 30/11/2021 इज फर्दर एक्सटेंडेड फॉर 1 month अप टू 31/12/2021। यानी कि दोस्तों, ये जो है सभी डॉक्यूमेंट जो हमारे ट्रांसपोर्ट विभाग से जारी किए जाते हैं और जो 1 फरवरी 2020 से लेके 30 नवंबर 2021 तक वैलिड थे, उन सभी डॉक्यूमेंट की जो वैलिडिटी है वो बढ़ाकर 1 महीना बढ़ाई गई है और ये बढ़ाकर अब 31/12 यानी कि 31 दिसंबर 2021 तक मान्य रहेगी। आपका कोई चलान नहीं कटेगा। इसमें ध्यान रखने वाली दोस्तों ये बात है कि जैसे कि मान लीजिए आपका लाइसेंस 1 फरवरी 2020 तक वैलिड था तो उसकी ही वैलिडिटी आगे बढ़ी है। 1 फरवरी 2020 से पहले जिनके लाइसेंस या किसी भी प्रकार के वाहन डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं थे उनकी वैलिडिटी नहीं बढ़ी है। कृपया उन सभी ड्राइवर भाइयों को जो है अपनी जो पहले पेनल्टी देनी पड़ती थी या कुछ करना पड़ता भाई वही करना पड़ेगा, लेकिन जिनके डॉक्यूमेंट जो है 1 फरवरी 2020 से लेके 1
30 नवंबर 2021 तक वैलिड थे उनके वैलिड रहेंगे 31/12/2021 तक। इसमें पूरी जानकारी दी गई है और आगे लिखा हुआ हाउएवर दिस एक्सटेंशन शैल नॉट अप्लाई टू बसेस एंड डीटीसी क्लस्टर। तो दोस्तों ये जो रूल है ये बसेस पे क्लस्टर पे डीटीसी पे लागू नहीं होगा। और उसके नीचे लाइन में लिखा हुआ द व्हीकल प्लेइंग ऑन रोड शुड हैव ए वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ PUCC इंश्योर पोल्यूशन कंट्रोल। तो दोस्तों इसमें सबसे नीचे लिखा हुआ अगर आप अपनी गाड़ी को लेके रोड पे निकल रहे हैं तो आपको अपनी गाड़ी में पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, जिसे हम पोल्यूशन सर्टिफिकेट कहते हैं, उसे रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, आपको अपना गाड़ी में इंश्योरेंस भी रखना पड़ेगा। दोस्तों इसमें इंश्योरेंस के बारे में नहीं बताया लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इंश्योरेंस जो होता है वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट द्वारा जारी नहीं किया जाता है, वो आपको इंश्योरेंस कंपनी से बनवाना पड़ता है, तो उसको छूट नहीं मिली है। तो दो चीज़ आपको अवश्य रखनी पड़ेंगी, इंश्योरेंस और पॉल्यूशन। उसके बाद जितने भी डॉक्यूमेंट हैं आपके वो 31/12/2021 तक वैलिड रहेंगे। तो दोस्तों ये था दिल्ली सरकार द्वारा जारी किया गया नोटिफिकेशन और आप सभी भाइयों के लिए गिफ्ट। आशा करता हूँ आप सभी भाइयों को अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों ये था वो नोटिफिकेशन जिसकी जानकारी मैंने आपको दी। सभी ड्राइवर भाइयों से और जो भी हमारे चैनल को देख रहे हैं सभी से कहना चाहूँगा, अगर आप ड्राइवर हैं, गाड़ी मालिक हैं, कमर्शियल गाड़ी आपके पास है या फिर आप ड्राइवर हैं, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों मैं इसी प्रकार की ड्राइवर संबंधित, डॉक्यूमेंट संबंधित, RTO संबंधित, रोड संबंधित, रूल रेगुलेशन संबंधित सभी प्रकार की जानकारियाँ देता रहता हूं। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। दोस्तों मिलते हैं किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।